Yeah. कैसे हैं आप सब आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे और क्योंकि आपको पता है कि जब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में फन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइट एंड जब वो चीज़ करनी होगी तो हम क्या करेंगे तो हम लाइफ के फुल ऑन मज़े लेंगे मस्ती करेंगे घूमेंगे फिरेंगे बट अगर कुछ नहीं भूलना है तो क्या जो अपना अभी के लिए प्राइमरी गोल है दैट इज पढ़ाई राइट तो उसी पढ़ाई के सिलसिले को आगे जारी करने के लिए हम यहाँ पे फिर से आपके पास आए हैं विद सेम चैप्टर उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं तो मैं आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ प्रियंका झा अगर आप तो मुझे नहीं जानते हैं तो मे बी आप शायद पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से पहले वाले सारे वीडियोज देख लीजिए और अगर आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो आपको पता है कि हम साथ में बायोलॉजी पढ़ते हैं राइट सो जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं सबका अच्छा वाला वेलकम है क्योंकि ऑब्वियसली हम तो यहाँ पढ़ाई करने आए हैं तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं मैम तो कैन यू गिव अस आइडिया कौन सा पढ़ रहे हैं तो बेटा हम चैप्टर जो है पढ़ रहे थे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस इस चीज में हमने क्रॉप्स के बारे में ऑलरेडी जान लिया है अगर एक बार देख लेना कि इस चैप्टर में क्या क्या हो चुका क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो फूड की जब हम बात करते हैं तो हमें फूड बेटा क्रॉप से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है तो हम जो है क्रॉप वाला जो पूरा पोर्शन है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमने एनिमल के साथ स्टार्ट कर दिया है जिसमें से हमने कैटल्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो अपने पास बहुत सारे Animals जिन पे ह्यूमन बीइंग फीड करते हैं उसी वजह से हमने एक एक एनिमल के लिए अलग अलग दिन रखा है तो इसके अंदर सबसे पहले कैटल्स आते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं अपने आ, पोल्ट्री के बारे में मतलब कि चिकन वगैरह के बारे में फिर हमारे पास फिशेस भी हैं और लास्ट में हमारे पास जो बीज हैं मधुमक्खियां हैं बेटा वो भी पढ़नी है ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या होता है हमें ये क्यों चाहिए और हमने क्रॉप में किस किस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई करी थी जिस वजह से इंप्रूवमेंट जो है वो हो सकती है राइट तो अगर आपने वो सब देख लिया है तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के साथ तो जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो पोल्ट्री है इसमें पूरे के पूरे चिकन आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम मुर्गियों की बात करेंगे ऐसा नहीं है पोल्ट्री फार्मिंग में बेटा अपने पास चिकन तो है ही इसके साथ साथ डक्स गीज टर्की गिनिया और बहुत सारे जो पिजन्स हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सो so, पोल्ट्री को प्लीज इतना मत सोचिएगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चिकन है अब आएगा सवाल कि मैम ठीक है हम अलग अलग तरीके की चिड़ियों को पाल रहे हैं पर इसका पर्पज क्या है अगेन हमने खाना है तो इनसे दो चीजें हमें मिल सकती हैं क्या मिलती है हमें मिलते हैं अंडे दैट इज एग तो हम इनको रेस करते हैं बेटा एग प्रोडक्शन के लिए और साथ ही में जो चिकन का मीट है उसके लिए राइट जो उस पर्टिकुलर पोल्ट्री का मीट है उसके लिए भी हम इन्हें रेज करते हैं तो जैसे अगर आपको याद हो कि कैटल में हमने पूछा था तो कैटल में हमारे पास अलग अलग स्पीशीज तो थी है ना जैसे हमारे पास गायों में भी कुछ ऐसी थी जो यहीं की थी कुछ हम बाहर से लाए थे तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है जो अपना सीक्वेंस है ना पढ़ाई का कि एक कैटल में हमने ये पढ़ा तो जो कैटल में चीजें पढ़ी है वही हम पोल्ट्री में पढ़ेंगे बट ऑब्वियसली क्योंकि ये दो अलग ऑर्गेनिज़म्स हैं तो इनकी डिटेल जो है राइट right? तो अब अगर आप आप एक और चीज़ देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई इनके दो यानी कि एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट प्रोडक्शन राइट right? तो अगर ये है तो क्या मैम इस बेसिस पे इनके कोई नाम है बिल्कुल है क्योंकि जब मैम सवाल पूछती है तो उसका जवाब ऑब्वियसली होता है तभी पूछ रही है अगर जवाब ना होगा तो कोई फायदा ही नहीं ना उस सवाल का राइट right? तो ऑब्वियसली जवाब हाँ है और जब हम बात करते हैं बेटा एग की कि भाई हमने किसी पोल्ट्री को एग के लिए उगाना है नॉट उगाना प्लांट्स को उगाया जाता है रेस करना है उस बेचारे बच्चे को पालना है और बड़ा करना है किसके लिए एग ऑप्टेन करने के लिए तो उन्हें हम एगर या लेयर कहते हैं ठीक है ये वो लेयर नहीं कि तुमने चद्रो के ऊपर चद्र डाल के लेयर्स बना दी नो no. ये बेटा ये पोल्ट्री में लेयर का मतलब होता है कि ये वो वाले अपने चिकन है या फिर पोल्ट्री है जिससे हमें अंडे मिल सकते हैं राइट तो ये हो गया भाई एक पर्पज अब दूसरा पर्पज क्या था दूसरा पर्पज था कि भाई हमें मीट चाहिए तो जिन पोल्ट्री से हम मीट लेते हैं उन्हें बेटा कहा जाता है ब्रॉयलर ये ब्रॉयडर नहीं होगा ये ब्रॉयलर होगा सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक हियर इट विल बी ब्रॉयलर ठीक है एल ई आर है और इसे हम चिकन भी कह सकते हैं राइट तो ये हो गई बेटा जी नाम अपने पोल्ट्री के टाइप सी की जिससे हम एग ले रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं दैट इज लेर या फिर एगर और जो दूसरा है अपना जो कि हमें मीट दे रहा है उसे हम कहते हैं ब्रॉयलर राइट तो ये हो गई इस चीज पर डिफ्रेंशिएशन अब दूसरी क्या आ जाएगी दूसरी आ जाएगी भाई अपने इंडिया से कौन बिलोंग कर रहा है मतलब नेटिव स्पीशीज कौन सी है और कौन सी हम बाहर से लेके आए हुए हैं तो जब इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ कितनी सुंदर सुंदर मुर्गियां हैं ना और इन्हें आपने देखा भी होगा बहुत कॉमनली देखा होगा तो अगर हम एग्जॉटिक ब्रीड्स की बात करते हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी होती है दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज ठीक है मतलब ये वो हैं जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं दैट दे नॉट बिलोंग टू इंडिया ये कहीं और से लाए हुए हैं और अब ये यहाँ पे ना मतलब ऐसे हैं कि माहौल में ढल गए हैं आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे ना क्योंकि uh, आपके फ़ादर की जॉब की वजह से या फिर आपकी फ़ैमिली में किसी की भी जॉब की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से शायद आप अपना गांव छोड़ के किसी और शहर में जाके बसे हो राइट और अगर ऐसा कोई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और तब तक के लिए उसी चीज़ को यहाँ रिलेट करिए कि ये जो है ये जो बेटा एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं ये किसी और कंट्री से लाए गए हैं एंड ऑब्वियसली इनका कुछ तो पर्पस होगा ना जिस वजह से हम लाए हैं ऐसा तो नहीं है कि बस ले आए रख लिया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था दिखने में ऐसा नहीं होता इन्हें बेटा हम अलग अलग पर्पसेस से लाते हैं जिसमें से अगर हम एक पर्पस देखें तो पर्पस है लॉन्ग वाइट एग्स सफ़ेद अंडे देखें कभी अगर जो भी यहाँ पे एग्स खाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि हमारे पास ना दो तीन तरीके के एग्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में एक वाइट कलर का होता है और एक ऑरेंजिश कलर का होता है राइट तो बहुत बार हम ये कहते थे कि ये जो ऑरेंज वाला है ना ये देसी अंडा है है ना और जो व्हाइट वाला है ये विदेशी है तो भाई ये कहां से आया तो जो अपने एग्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं बेटा जैसे कि वाइट लेगहॉर्न ये जो है ये वाइट लेगहॉर्न है ठीक है ये जो है ये सफेद रंग के लंबे लंबे जो अंडे होते हैं वो देता है राइट तो ये है एग्जॉटिक ब्रीड इसके अलावा हमारे पास रोड़े आइलैंड रेड भी है ये बहुत ऐसे बल्कि सी दिखती है है ना और ये जो है ये अगेन काफ़ी अच्छे नंबर में एग्स प्रोड्यूस करती है मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग्स जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर वो काफ़ी बढ़िया होता है इसका और साथ ही जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बल्कि होती है ये तो ये मीट भी बहुत अच्छा हिल्ड करती है तो ये लेयर एज वेल एज ब्रॉयलर दोनों ही पर्पज सर्व कर रही है तो जब एक मुर्गी दोनों ही काम कर रही है तो क्यों ना उसको पाला जाए राइट तो इसी पर्पज से रोडे आइलैंड रेड को बेटा लाया गया था और ये भी एक अपनी एग्जॉप ब्रीड हो जाती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं अपने पे, मतलब अपने इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया वाले में अपने पास ऑब्वियसली देसी या फिर इंडिजिनस ब्रीड इन्हें हम कहते हैं इसे हम लोकल भी कह सकते हैं और इसे हम नेटिव ब्रीड्स भी कह सकते हैं ठीक है इन्हें क्या कह सकते हैं हम इन्हें हम कह सकते हैं नेटिव ब्रीड्स राइट right? अब इसी में अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे पास असील या फिर इंडियन गेम इसका नाम है जैसे कि ये दिख रहा होगा ये बहुत कॉमनली आपको दिखेंगे अगर आप थोड़ा सा गांव वाले एरिया में बिलोंग करते हैं या फिर शहरों में वो एरिया जो थोड़ा सा गांव के आसपास है वहाँ से बिलोंग करते हैं आपने ये चीज़ देखी होगी बहुत कॉमनली देखी होगी और ये बहुत अच्छा जो है बेटा ये नीट इल्डर है और साथ ही ये लेयर भी है एंड लेयर ये दोनों के ही काम करता है राइट सो ऑब्वियसली अगर कोई हमें दोनों ही पर्पज सॉल्व करके दे रहा है तो वाई नॉट टू गो फॉर इट कहीं पे अपना सिर्फ एक ही काम हो रहा है और कहीं पे अपने दोनों ही काम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वो ऑप्शन पिक करेंगे ना जहां से मेरे ज्यादा काम हो जाए तो दिस इज़ वाई वी हैव गॉट डीज़ वंस और ये काफ़ी ज़्यादा बेटा फेमस है और आपको एग्जाम्पल बताने का पर्पस यही है क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्टली वो एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कि अपनी इम्पोर्टेड या फिर एग्जॉटिक ब्रीड कौन सी है पोल्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए कम से कम दो तो पता ही होने चाहिए कि वाइट लेग हॉर्न है और रोडे आइलैंड रेड है और अपने यहाँ पर असील और इंडियन गेम जो है वो हो जाती ठीक है तो ये हो गई बेटा अपने पोल्ट्री ब्रीड्स की बात अब जब हम ब्रीड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन ब्रीड्स को हमें पालना कैसे है इनका टेक केयर कैसे करना है वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलो थोड़ा आगे और देखते हैं कि जब हम इनके टेक केयर की बात आ रही है तो हम इनकी कैसे वेराइटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं Obviously जैसे हमने क्रॉप्स में भी तो पढ़ा था ना कि क्रॉप की वराइटी इंप्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली अपनी क्रॉप अच्छी हो जाएगी चाहे क्वालिटी की बात हो चाहे क्वांटिटी की बात हो तो सेम वे जब हम बात करते हैं बेटा मुर्गियों की यानी कि वैसे सिर्फ मुर्गी को बोलना गलत होगा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पोल्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुर्गियाँ जो है वो नहीं होती तो जब हम बात करते हैं बेटा अपने पोल्ट्री की तो पोल्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स अगर हमने छोटे छोटे जो अपने चिक्स हैं उनकी नंबर और क्वालिटी बढ़िया कर दी तो जब वो एडल्ट हो जाएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर वो लेयर है तो वो बहुत अच्छे एग्स ले करेंगे अगर वो ब्रॉयलर है तो बहुत अच्छे मीट प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे राइट दे विल हैव गुड क्वालिटी ऑफ मीट जो कि मार्केट में अच्छे दामों पर बिकेगा और अल्टीमेटली जो सेलर है वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा पैसा पैसा है ना सबको तो यही चाहिए राइट right? तो ऑब्स

बट वहीं अगर तुम कहीं गए और तुम्हें ए वन क्वालिटी के स्प्रिंग रोल्स या फिर जो भी तुम्हें पसंद है वो दे दिए जाए तो तब तो बल्ले बल्ले तुम रोज ही जाओगे और वो दुकान वाला कहेगा कि सर आप रोज आइए है ना रोज आइए मेरी तो मतलब ऐसे होगी कि आमदनी पे आमदनी हो रही है है ना तो सेम वे अगर क्वालिटी विल बी गुड तो ऑब्वियसली बेटा सेल जो है वो अच्छी होगी और जब सेल अच्छी होगी तो जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी उस चीज के okay, साथ डील कर रहा है उसके लिए वो चीज़ फायदेमंद होगी राइट एंड ऑब्वियसली जो कंज्यूम करने वाला है उसकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी राइट right? तो नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स पे बेटा हम फोकस करते हैं ताकि हम इस तरीके से जो वेराइटी है वो इम्प्रूव कर सकें देन क्या आता है देन आता है कि हम यूजअली डॉफ ब्रॉयलर चूज करते हैं एज अ पेरेंट ताकि हम कमर्शियल चिक प्रोडक्शन कर सके अब कमर्शियल चिक प्रोडक्शन क्या होता है तो उससे पहले आप एक चीज देखो कि कमर्शियल क्या होता है ये जो कमर्शियल है ना दिस कमर्शियल सिंपली मीन्स समथिंग दैट विल बी सोल्ड इन मार्केट ठीक है कमर्शियल वर्ड जहाँ पे भी दिखे बेटा तो ये वो चीज है जो डायरेक्टली मार्केट में भेजी जाती है मार्केट में बेची जाती है है ठीक तो यहाँ पे जब हम कमर्शियल चिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये वो मुर्गियां हैं जो मार्केट में बिकती हैं ज्यादातर सफेद सफेद रंग की दिखती है, है ना तो वो जो है वो कितनी सारी होती है राइट तो वो हम इतनी बड़ी लेके क्या ही करेंगे तो इसीलिए हम छोटे छोटे ब्रॉयलर्स को एज अ पेरेंट चुनते हैं ताकि जो इनके बच्चे हो जो इनसे चिक्स आए वो भी बहुत बल्कि ना हो बट एक उनका अच्छा खासा साइज हो ताकि उन्हें अगर हम मार्केट में बेचें तो ज्यादा जाद ज्यादा सेल हो क्योंकि यूजअली जो लोग हैं बेटा वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा खरीदेंगे दे आर नॉट गोइंग टू बाई फाइव के जीज ऑफ मीट और टेन के जीज ऑफ मीट एट अ टाइम जो नॉर्मल जनता है दे यूजली आस्क फॉर वन के जी और टू के जी राइट то अगर कोई ज्यादा मांग रहा है तो ज्यादा के लिए वी कैन गो फॉर मोर क्वांटिटी और ज्यादा नंबर ऑफ चिकन राइट लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे छोटा चाहिए तो अब एक बड़ा बल्कि होगा तो उसमें से आप कट करके पीस निकालेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट सो इसीलिए हम छोटे पेरेंट्स चूज करते हैं ताकि हमारे पास काफी सारे चिक्स आ जाए और उन चिक्स को हम कमर्शियली मार्केट में बेच दें जिससे पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा वापस आ जाए ठीक है चलो ये हो गया फन मैं बहुत गंदा डांस करती है तो इसलिए मैं यूजुअली ये चीजें नहीं करती ठीक है अब देखो समर अडेप्टन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर अब जो ना ये मुर्गियाँ होती हैं ये बेचारी थोड़ी सेंसिटिव होती है मतलब कि अगर तुम तो इन्हें ना गर्मियों में छोड़ोगे ना तो देर आर चांसेस कि इनके जो फेदर्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास फेदर्स होते हैं ना और फ़ैदर्स की वजह से उनकी बॉडी गर्म रहती है अब जब महीना ही गर्मियों का आ जाए तो इंसान तो बचता नहीं है ये बेचारी चिड़िया कहाँ बचेगी जिसके पास पूरे के पूरे साल कंबल जैसा फेदर प्रेजेंट रहता है है ना तो इनमें डिज़ीज़ बेटा काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है इनके फेदर्स की वजह से इनको इरिटेशन होने लग जाती है है ना और उस वजह से ये बीमार हो जाएंगे ना अल्टीमेटली ऑब्वियसली क्योंकि ये डिजीज्ड है तो इनकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट इससे इनकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी मतलब इनकी डेथ होने लग जाएगी जब ऐसा होगा तो लॉस में जाएगा ना बिजनेस तो अब हमें लॉस तो चाहिए नहीं तो क्या किया जाए हम ऐसे मुर्गियाँ चुनेंगे जो कि समर्स के लिए बेटा अडेप्टेड हो मतलब कि गर्मियों में एकदम मजे से रह सके अगर थोड़ा सा टेम्परेचर आगे बढ़ा तो उस चीज में ढल जाए ठीक है हम तो ऐसा नहीं करते ना कि सर्दियां आए और सारे सारे एंटार्टिका जाके बस गए नहीं ना हम उस कंडीशन में एनी हाउ सर्वाइव करते हैं हम ट्राई करते हैं कि हम घर में ए सी लेके आ जाएँ या कूलर लेके आ जाए हम ट्राई करते हैं कि हम छत पर जाके सो जाएँ है ना ये हमारे अडेप्टशन ये हमारे तरीके हैं कि कैसे हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो सेम वे हम ऐसी मुर्गियाँ लेके आते हैं जो कि इस चीज़ में ढल सके इस माहौल में ढल सके नेक्स्ट लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली भाई किसी पे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हम है ना कि तुम कुछ ऐसा लेके आए जो सिर्फ पैसा ही पैसा मांग रही है तुमसे है ना लुट जाओगे क्या करेंगे नहीं चाहिए भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा तो हम कुछ ऐसा लेके आएंगे कि हमारे लिए फायदा भी करे और उसको मेंटेन करने के लिए हमारा बहुत सारा पैसा ना जाए हमारे बहुत सारे रुपए ना जाए राइट right? तो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स अगर जिस मुर्गी की है या जिस पोल्ट्री की है हम उसको कंसिडर करने वाले हैं लास्टली रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लिंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा स्टेटमेंट काफ़ी चीज़ें देखो इसी स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे क्या लिखा है कि हम अगेन जो एग्स ले कर रही हैं मुर्गियाँ वो चाहेंगे कि थोड़ी छोटी हो साइज़ में अंडे छोटे नहीं होने चाहिए जो मुर्गियाँ हैं वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली वो जगह जो है थोड़ी कम लेंगी एन ऑल्सो जब उनका साइज कम है तो ऑब्वियसली उनकी भूख भी कंपैरेटिवली कम होगी तो चलो भूख तो कम है ज्यादा है लेकिन ऑब्वियसली उन्हें खिलाना तो है ही ना खाना तो देना ही है तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं बेटा तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये ऐसी मुर्गी हो जो कि फाइबरस डाइट जो है वो ले सके मतलब कि जो अपने थोड़े से घास फूस वाले होते हैं ना या फिर सीड्स वगैरह हैं तो उनको इजीली ये डाइजेस्ट कर सके उनको यूटिलाइज कर सके अपना काम करने के लिए ताकि जो भी इन्हें ग्रो कर रहा है उनको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े राइट और ये फाइब्रस जो डाइट है बेटा ये कहाँ से लाएंगे हम तो जो हमने खेत खेती बाड़ी में अपने एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स हमारे बने थे ठीक है तो उसी थ्रू हम क्या करते हैं हम अपने पोल्ट्री वगैरह को फीड करते हैं ताकि ये आगे चल सके। तो यहाँ पे अब बात हो गई किस चीज की अपनी पोल्ट्री की यही बेटा जो कहानी थी कि कैसे हम इसकी वैरायटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं नाउ वी नीड टू मूव थोड़ा सा आगे और हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने एग्ज और ब्रॉयलर्स को रखना चाहिए जिससे कि हमें इनकी बहुत अच्छी ईल्ड मिल सके राइट तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली एग और ब्रॉयलर को हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रॉयलर से हमें क्या मिलने वाला है मीट मिलने वाला है मैम ये तो हमने सीख लिया एग से हमें क्या मिलने वाला है एग से एग तो भैया खुद ही अपने आप में है एग हमें किससे मिलने वाला है एग हमें मिलने वाला है लेयर से राइट right. तो ये जो एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन है तो ये दोनों अलग अलग तरीके की मुर्गियों से आ रही है तो उन मुर्गियों को तो हम नहीं पालना है ना तो देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर हम बेटा बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्स की तो इसके लिए हमें सबसे पहले हेल्दी लेयर चाहिए मतलब कि जो मुर्गी है उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए इसके अलावा अगर हम लेयर की बेटा बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो चिक थी ये पैदा होते ही एग देने लगेगी इस चीज़ के लिए क्या होता है जो अपनी लेयर होती है बेटा ये ट्वेंटी वीक्स ओल्ड होती है कम से कम बीस हफ्ते की इसकी उम्र होती है विच इज़ रफली अराउंड चार पांच महीने राइट और इसके बाद इसके बाद क्या होगा इसके बाद ये जो है एग प्रोड्यूस कर सकती है ठीक है तो एग प्रोडक्शन इस बीस हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है और फिर हमें इससे क्या मिलते हैं हमें मिलते हैं अंडे और ये जो अंडे हैं ये ऑब्वियसली हमें अलग अलग तरीके से वो होते हैं एग में क्या क्या चाहिए हमें इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए है ना इसके अलावा जो अपनी है इसमें क्वांटिटी ज़्यादा देनी चाहिए जो लेयर है वो सिर्फ एक अंडा देके मर जाए तो कोई फ़ायदा है नहीं है हमें चाहिए कि वो अच्छे खासे नंबर में जो बेटा एग है वो प्रोड्यूस करे इसके अलावा ऑब्वियसली अंडा दे दिया बात ख़त्म नहीं हुई हम चाहेंगे कि जो अंडा दिया है उसका वेट उस अंडे का जो साइज़ है वो ऐसा हो कि जब कस्टमर देखे बोले हाँ बढ़िया दे दो अंडे नहीं लेने हमने है ना तो ये जब चीजें होती है तो इन चीजों को बेटा ध्यान में रखा जाता है ताकि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में इजीली बिक जाए तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्स की और वहीं अगर हम प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर्स की बात करें तो ब्रॉयलर्स जो है बेटा राइट ब्रॉयलर्स कौन होते हैं ब्रॉयलर्स होती हैं वो वाली मुर्गियां जो कि मीट ईल्ड करें अब जब मीट ईल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ये मुर्गी सिर्फ सौ ग्राम की हो है ना तो इनको कब तक हम वो करते हैं हम देखते हैं कि इनका जो वेट है वेट जो है पॉइंट 1.5 के तो हो ठीक है 1.5 पॉइंट के जी तो इनका जो वेट है वो पक्का पक्का से हो और ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए तो बेटा एज यूजुअली ना इनकी छः से सात हफ्ते में ना ये इतना वेट जो है ये अटेन कर लेते हैं नॉट एग्जैक्टली वन पॉइंट फाइव इसका एक रेंज रखते हैं तो इट इज़ अराउंड सेवन हंड्रेड ग्राम से लेके वन पॉइंट फाइव के जी तक ठीक है और छः से सात हफ्ते में ना ये इतना वेट अटेन कर लेती हैं तो इससे क्या हो जाता है कि हमें ब्रॉयलर्स मिल जाते हैं जिसे हम मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं कितनी बात हो रही है ना आज पैसा ही पैसा राइट तो कोई नहीं ऑब्वियसली ये चीज़ है एंड uh, ये जब बेची जाएंगी तो uh, लोगों का कल्याण होगा लोगों की भूख मिटेगी क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो ये बात होगी कि कैसे हमें ये जो प्रोडक्शन ऑफ़ एग है वो इंक्रीज करनी है कब हमें एग्स मिल सकते हैं सेम वे कब हमें ब्रॉयलर जो है उससे मीट मिल सकता है अब थोड़ा आगे चलेंगे तो अब कि केयर ऑफ दिस थिंग कि भाई हम ध्यान कैसे रखें अपनी मुर्गियों का तो ऑब्वियसली हमारे पास दो तरीके के पोल्ट्री है लेयर्स है एंड ब्रॉयलर्स हैं तो पहले लेयर्स की बात करेंगे कि इसमें ना दो चीजें होंगी अब कि भाई ये क्या क्या बेसिस पे हम इसको वो करें तो अपने पास पहले बेटा ग्रोइंग पीरियड जैसे कि मैंने बताया ना कि लेयर्स को 20 हफ्ते चाहिए उसके बाद ही वो यूजुअली जो है अपना अपना एग जो है रिलीज कर सकती है राइट तो ग्रोइंग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये जीरो से 20 वीक्स तक का बेटा जो टाइम स्पैन होता है वो होता है और इस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ठीक है इनफ स्पेस इनफ स्पेस तो क्या लिखे बोलेंगे हम मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड ठीक है मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड ठीक है क्योंकि अगर लेस स्पेस हुई कम जगह हुई तो इनकी जो ग्रोथ है बेटा वो हिंडर हो जाएगी तो इनकी ग्रोथ जो है वो कम होगी तो ये हो गई जब हम बात करते हैं अपने ग्रोइंग पीरियड की कि ग्रोथ पीरियड में जो हमारे लेयर्स हैं उनको क्या क्या चाहिए मेन इनको स्पेस चाहिए होता है अब जब हम बात करते हैं लेंग पीरियड की तो लेंग पीरियड कौन सा पीरियड है ठीक है पीरियड इन विच इन विच लेयर्स ले एग्स ठीक है तो ये usually आफ्टर ट्वेंटी वीक्स वाला टाइम जो है बेटा वो रहता है तो ठीक है मैम अब इसको क्या चाहिए इसको बेटा स्पेस चाहिए ठीक है स्पेस के साथ साथ इसको लाइट चाहिए क्योंकि जो लाइट है ये जो है ये काफी हद तक गवर्न करता है एग की प्रोसेस को ठीक है एग की प्रोसेस को, और इसके बाद जब एग्स ले हो जाते हैं तो जो अपनी चिक जो है वो आ जाता है, राइट और ये हो गई जी अपनी बात और किसकी केयर फॉर लेयर्स की अगर हम इनकी डाइट की बात करिए भाई हम खाने में क्या दे रहे हैं तो खाना जो है इनका ठीक है मैं यहाँ बीच में डाइट चलो यहाँ लिख देती हूँ डाइट बेटा इनकी जो है वो वाइटमिंस प्रोटीन्स वाइटमिन्स प्रोटीन्स एंड फाइबर रिच होती है ठीक है ये तीन चीज इनके डाइट में पक्का पक्का रहती ही है वही अगर हम थोड़ा उस तरफ चलें और जानेंगे अपने केयर फॉर ब्रॉयलर्स के बारे में तो ब्रॉयलर्स कौन होती है ये होती है मीट इल्डिंग पोल्ट्री या चिकन ठीक है ये हो गई मीट इल्डिंग चिकन ऑब्वियसली अब हम चाहेंगे कि हमें इससे अच्छा खासा जो मीट है वो मिले राइट और इसके लिए इसकी डाइट का बहुत अच्छा बेटा ध्यान रखा जाता है डाइट में इन्हें हम ज्यादातर जो फूड है वो वाइटमिन लोडेड देते हैं कि इसमें ना अच्छा खासा वाइटमिन जो है वो प्रेजेंट हो और विटामिन में भी कौन सा वाइटमिन इनको हम यूजली फीड करते हैं वाइटमिन ए और वाइटमिन के से अब इसे देखो मैं तो वाइटमिन बोल रही हूँ बहुत लोग विटामिन भी बोलते हैं तो दोनों ही चीजें सही हैं। जस्ट गो विद वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद राइट एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट right? क्या है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑब्वियसली इन्हें चाहिए स्पेस स्पेस तो ना हर जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंजस्टेड तरीके से ये जो ब्रॉयलर्स हैं ये भी नहीं रह सकते ते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते ठीक है तो ये जो हो गया ये बेटा अपनी वाइटाम की चीजें हो गई ये अपने डाइट की बात हो गई स्पेस की बात हो गई जब हम ब्रॉयलर्स की बात कर रहे हैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना तो यहाँ हम रख देते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं ये हाई रखी जाती हैं वरना कुछ लोग बोलेंगे कि मैम विटामिन ए और विटामिन के का क्या सीन है तो बेटा विटामिन ए और के को ना हम थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा रखते हैं ताकि इनको पता लग जाए कि हाँ इन्हें हमें ये चीज़ ज़्यादा देनी है तो ये पूरी बात होगी कि कैसे हम अपने ब्रॉयलर्स का ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या उन्हें हम खाने में देंगे तो वो एकदम अच्छे अच्छे हमें अंडे देंगे और साथ में उनसे हमें अच्छी जो मीट है वो भी मिल जाएगा ठीक है तो ये जो बात होगी बेटा अपने हाउसिंग एंड शेल्टर एंड फीड की अबाउट द अपने पोल्ट्री नाउ हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में सो so, डिजीजेस जो है ना वो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स में बेटा वो कॉमन ही होते हैं नॉट द डिजीज बट जो उसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं तो यहाँ पे भी अलग अलग पैथजेंस हैं जो कि ये डिजीज कॉज कर रहे हैं पैथजेंस हमने देखे थे कि ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं राइट तो इसमें आ जाएंगे वायरसेस बैक्टीरिया फंगाई एंड पैरासाइट्स जो कि चिकन को भी बेटा प्रॉब्लम कॉज करते हैं ठीक है इसके अलावा हमारे पास बेटा न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी की वजह से ये भी जो डिजीज़ है वो आती है अब कोई चिकन है उसको या तो हम ही खाना नहीं दे रहे या उसकी बॉडी में वो खाना लग नहीं रहा या वो खा नहीं रही है तो ऑब्वियसली उससे जो क्वालिटी है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना उसको जब नहीं मिल रहा खाना तो वो जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो जाएगी देर आर चांसेस की दैट पर्टिकुलर पोल्ट्री कैन डाई एज वेल तो ऐसा हमको नहीं चाहिए इसीलिए हम जो है ट्राई करते हैं कि इस चीज़ को कंप्लीटली क्योर कर दें और उससे पहले तो हम इस चीज़ से प्रिवेंटेड रहें ठीक है तो ये बेटा बात हो गई अपने पोल्ट्री प्रोडक्शन की कि कैसे हम पोल्ट्री का ध्यान रख सकते हैं आई होप दैट आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी और अगर आ गई हैं तो डू अस नो एंड ऑल्सो यू कैन गेट ऑल द नोट्स फ्रॉम द स्कोर प्लस app दैट इज़ अवेलेबल ऑन द Google प्ले स्टोर और आप हमें बिल्कुल से फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे या तो आप ये स्कैन कर लीजिए या फिर आपको बहुत इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली डायरेक्ट direct कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे आपको बेटा सारे नोट्स मिल सकते हैं आपको अपडेट्स मिल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसके अलावा इंफॉर्मेशन uh, मिल सकती है कि सी क्या करने वाला है राइट सो स्टेट यून विद आस फॉर ऑल द थिंग्स आट यू वॉन्ट टू नो हम दोबारा से मिलने वाले हैं तब तक के लिए बाय एंड take care of yourself and also please stay happy healthy and safe ta ta